हेलो प्यार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा चल रहा है चैप्टर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ने हमने फर्स्ट क्लास ले ली है। सेल डिवीजन की हमने वहां पर परिभाषा, सेल डिवीजन के प्रकार, सेल डिवीजन के क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ हैं, ये सब हम उसमें देख लिए। जो नहीं देखा है वो जाकर प्ले लिस्ट में, जूलॉजी नाम से प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस डिवीजन जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस डिवीजन जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में देख लीजिए समसूत्री विभाजन, इसका शब्द किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने शब्द दिया था। किस सन में दिया था, तो 1882 ईस्वी में इन्होंने यह शब्द दिया, समझाया था सेल डिवीजन को स्लाइडर ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना, पूछ लेता है एक दोनों दो नंबर में आपको पूछ लेगा। माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन का परिभाषा देख लीजिए, तो एक सेल विभाजन, एक कोशिका का विभाजन करके दो संतति सेल कोशिका बनती है, दो संतत कोशिका बनती है जो संरचनात्मक व आनुवांशिक रूप से पैतृक सेल के समान होती है। जो आनुवांशिक और पैतृक क्या है, पैतृक माने जो पिता के समान होती है, मतलब यही अपना देख लीजिए, ये अपना हो गया एक सेल अपना हो गई, यही है पैतृक सेल, इसी को कहते हैं पैतृक सेल। अब ये दो डिवीजन होकर दो सेल में बट गई, एक ही समान कोशिका इसका बनती है, जो ये समान कोशिका थी पैतृक तो उसके समान ही बनती है, तो इसीलिए कहा गया संरचनात्मक व आनुवांशिक रूप से पैतृक सेल के समान होती है। ये दोनों संतत कोशिका कहलाती है, मातृ कोशिका कहलाती है, जिसे पैतृक कोशिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा याद रखना, वन सेल डिवीजन प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन। तो वही परिभाषा सेल डिवीजन की हो गई, वन सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, तो यहाँ पर इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन कर देना। ये दोनों की परिभाषा सेम होती है, सिर्फ मियोसिस की थोड़ा अलग हो जाती है। नोट पॉइंट एक इसमें याद रखना, माइटोसिस डिवीजन फाउंड ऑफ सोमैटिक सेल, तो माइटोसिस डिवीजन आपका सोमैटिक सेल में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए आगे माइटोसिस डिवीजन के प्रकार, अपने जो समसूत्री विभाजन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये भी दो प्रकार का होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन, ये आपको समझ लेना है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो किसी कोशिका के क्रोमोसोम के दो समूहों में बटने तथा इस प्रकार से दो संतति केंद्रकों की उत्पत्ति को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसका मतलब समझे, इसमें सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक और क्रोमोसोम का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ केंद्रक और क्रोमोसोम का विभाजन होगा और किसी का नहीं। तो देख लीजिए फिर से परिभाषा एक बार, किसी कोशिका के क्रोमोसोम माने गुणसूत्र के दो समूहों में बटने को, दो समूहों में बटने को इस प्रकार से दो संतत केंद्रकों की उत्पत्ति होगी। जब क्रोमोसोम बटेंगे तो केंद्रक भी बटेगा, साधारण सी बात है। तो इस प्रकार दो केंद्रकों को की उत्पत्ति को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। समझ आ गया कैरियोकाइनेसिस। तो माइटोसिस डिवीजन में जो अपना समसूत्री विभाजन की क्रिया में कैरियोकाइनेसिस के पांच भाग होते हैं। तो माइटोसिस जो अपना तो समसूत्री विभाजन है उसकी क्रिया के अनुसार कैरियोकाइनेसिस, इसमें कैरियोकाइनेसिस के पांच भाग होते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से, पहला इंटरफेज, इंटरफेज को अंतरावस्था हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था, और दूसरा प्रोफेज जिसे पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज, तीसरा मध्यावस्था कहते हैं, एनाफेज पश्चावस्था कहते हैं, इसे पश्चावस्था कहते हैं, टीलोफेज को देखो फिर अंतरावस्था आ गया ना। ये अंतरावस्था क्यों आया है, तो जब हमें अब इनके भाग जब पढ़ेंगे हम पूरा, तो आपको बता देंगे कि अंतरावस्था इसे फिर दोबारा क्यों नाम दिया गया है, टीलोफेज को हिंदी में अंतरावस्था ही क्यों कहा गया है। आपको देख लीजिए इंटरफेज में ही अपना सेल साइकिल चलता है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं, ये अपना सेल साइकिल में ही कोशिका चक्र अपना चलता है, पूरा पूर्ण करता है। और ये सब मिलाकर माइटोसिस डिवीजन एक घंटे का होता है, ये अब इस सेल साइकिल आपको हम बताएंगे, तो
आपको समझ इतना समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सर साइकिल को बताते हैं। अब देख लीजिए अपना सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है? जो अपना अंतरावस्था इंटरफेज में सर्वप्रथम सेल डिवीजन से पहले चलता है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, आप लोग देख लीजिए। इसमें चार फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं, अंतरावस्था में तीन फेज होते हैं, लेकिन सेल साइकिल में चार फेज होते हैं। तो पहला फेज देख लीजिए जीवन फेज, जो 12 घंटे का अपना चलता है। जीवन फेज अपना 12 घंटे का चलता है जीवन फेज। और इसके बाद यस फेज 6 घंटे का चलता है। जीवन फेज में अपना प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस होता है। जीवन फेज में अपना प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है जीवन फेज में कौन सा आपका चलता है, कौन सा सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस होता है। यस फेज में ये 6 घंटे का होता है, इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। तो आपको पूछ लेगा संसेसिस फेज किसे कहते हैं, संसेसिस फेज किसे कहते हैं, तो आप यस फेज को लगाएंगे संसेसिस फेज, इसलिए इसका नाम यस पड़ा है, यस फेज पड़ा है। जी टू फेज अपना 12 घंटे का ये भी होता है, इसमें भी प्रोटीन एंड आरएनए का संसेसिस होता है। जो अपना यम है जो 1 घंटा खावर्स का होता है, जो जिसमें क्रोमोजोम मूवमेंट डिवीजन चलता है, ये अपना माइटोसिस जिसमें प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज और अपना साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस ये सब जितने विभाग हैं ये सब इसमें चलते हैं, इतने सब मिलकर इसमें चलते हैं, इसमें तब जाकर पूर्ण होता है अपना अथवा माइटोसिस डिवीजन। इतना समझ में आया ना? सबसे बड़ा फेज अपना जीवन फेज होता है, सबसे बड़ा फेज, सबसे बड़ा जीवन फेज होता है, बड़ा फेज, इसे लार्जेस्ट से भी जेस्ट लार्जेस्ट फेज भी कहते हैं, लार्जेस्ट फेज भी कहते हैं। और सबसे छोटा फेज, सबसे छोटा फेज जी टू भी अपना छोटा फेज होता है, सबसे छोटा जी टू फेज होता है। अगर पूछेगा माइटोसिस में सबसे छोटा फेज, तो जी टू सबसे छोटा फेज होगा, सबसे छोटा फेज होगा, सबसे छोटा स्मॉल फेज, स्मॉल फेज अपना होगा। और उस तरह अगर पूछेगा सेल साइकिल कोशिका चक्र में सबसे छोटा, सबसे छोटा फेज, तो आप बताएंगे यम फेज, ये सबसे छोटा फेज हो जाएगा, सबसे छोटा फेज, छोटा फेज फेज। और इसमें अगर पूछेगा यम वाले अवस्था में माइटोसिस में सबसे बड़ा फेज, तो प्रोफेज हो जाएगा, और सबसे छोटा फेज तो एनाफेज, ये सबसे स्मॉल हो जाएगा, और प्रोफेज लार्जेस्ट वाला हो जाएगा। ये आपको अगले आगे बताएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके बारे में लिखाता हूं। सॉरी इसमें तो एक चीज भूल गया, ये जो अपना भूल गया सॉरी, ये जो बीसीएफ हावा मैंने लिखा है, ये अपने बीसीएफ हावा मतलब जो ये साइंटिस्ट खोजे थे बीसीएफ हावा थे, उनका नाम भी बीसीएफ था। ये बीसीएफ हावा एक बीसीएफ हावा सेम के बीच को कहते हैं बीसीएफ हावा इंग्लिश में। तो बीसीएफ हावा का ये सेल में देखा गया था सेल साइकिल को, तो इसीलिए बीसीएफ हावा का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है बीसीएफ हावा। ये बीसीएफ हावा का सेल है, ये सीम का बीज को कहते हैं बीन्स जो होती हैं, आप समझ आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख लीजिए अपने सेल साइकिल के भागों के बारे में, भागों के बारे में आप जान लीजिए अब सेल साइकिल के भागों के बारे में। तो आप देख लीजिए जीवन अवस्था जो सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसे जीवन अवस्था को फर्स्ट वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी में ही कुछ जो होता है कोशिका में टिमटा मतलब कुछ भी गड़बड़ जो होता है विभाजन, ये सब सबसे पहले जीवन अवस्था से शुरुआत होती है, तो इसे इसलिए कहते हैं फर्स्ट वृद्धि अवस्था इसे कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए, ये ज्यादातर कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है, तो जीवन अवस्था में ये ज्यादातर कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है। दूसरा देख लीजिए, ज्यादातर सेल की वृद्धि करता है, ज्यादातर ये सेल की वृद्धि करता है और ज्यादातर कोशिका
का निर्माण करता है, ज्यादातर प्रोटीन एवं आरएनए का निर्माण करता है। इसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण भी होता है, और ये ज्यादातर कोशिका द्रव्य का निर्माण कर सेल की वृद्धि करता है ज्यादातर, और ज्यादातर कोशिका का निर्माण करता है। ये सबसे बड़ा फेज है इसमें, सबसे बड़ा फेज सेल साइकिल में, तो जीवन फेज सबसे बड़ा फेज है इसमें। दूसरा पॉइंट देख लीजिए अपना यश अवस्था, यश अवस्था जो जिसे संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए पहला, इसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण भी होता है, मैंने बताया था ना, इसमें डीएनए संश्लेषण भी होता है। डीएनए संश्लेषण कितने परसेंट होता है, तो 0.03% होता है, इसीलिए इसको डीएनए संश्लेषित फेज भी कहते हैं, संश्लेषण अवस्था इसीलिए कहते हैं। इसमें क्रोमैटिन धागों का प्रतिकृति हो जाता है, इसमें क्रोमैटिन धागे फैले जालमतिन फैल जाते हैं, फैल जाता प्रतिकृति हो जाता है, उसी फैल जाता है, परंतु गुणसूत्र डबल नहीं होता है, परंतु गुणसूत्र इसमें डबल नहीं होता। वो किस फेज में डबल होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इंटरफेज, अभी इंटरफेज के बारे में ये मैं बता रहा हूँ, इंटरफेज में अभी सर साइकिल के बारे में बता रहा हूँ, इंटरफेज का भी अभी इम्पोर्टेंट है। इसमें देख लीजिए तारक केंद्र डबल होते हैं, इसमें जो है अपना यश अवस्था में तारक केंद्र डबल हो जाता है। तारक केंद्र मैंने बताया था ना सेल डिवीजन के अंग में होता है, तो वही तारक केंद्र इसमें डबल हो जाता है जो केंद्रक में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसमें जो यश अवस्था में अपने हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, समझ आया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लिए अपना G2 फेज, अपना G2 अवस्था, फेज माने अवस्था होती है, आप जान लिए मैं फेज बोलता रहता हूँ। G2 अवस्था, G2 अवस्था अपना क्या है, तो इसमें इसे विभाजन की वास्तविक तैयारी वाली अवस्था कहा जाता है, यहाँ से आपका विभाजन शुरू होने वाला रहता है, इसीलिए इसे विभाजन की तैयारी वाला अवस्था कहा जाता है। जैसे इंटरफेज को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे या यहाँ तैयारी इसमें हो चुकी रहती है डिवीजन करने के लिए पूरी तरह से, तो इसे विभाजन की वास्तविक तैयारी वाली अवस्था कहा जाता है। इसमें एटीपी व ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, इसमें एटीपी और ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे 90S कोशिकांग भी कहते हैं, किसे, G2 अवस्था को 90S कोशिकांग भी कहते हैं। आपको एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नोट पॉइंट में देख लीजिए, G0 अवस्था, मैंने 0 अवस्था लास्ट में क्यों आकर बताया, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूँ आपको। G0 अवस्था, जीवन और यश फेज, फिर G2, अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। G0 अवस्था जो शांत अवस्था इसे कहते हैं, तो शांत अवस्था इसे भी कहते हैं G0 अवस्था को। ये क्यों, क्या होता है, तो कुछ सेल जीवन के बाद, कुछ सेल जो जीवन अपना फेज होता है उसके बाद कोशिका चक्र से बाहर हो जाती हैं, जो अपना कोशिका चक्र से बाहर हो जाती हैं, कुछ सेल जीवन अवस्था में डिवीजन होने के बाद, जीवन अवस्था में भाग लेने के बाद वो कोशिका चक्र से बाहर हो जाती हैं और विभाजन नहीं करती हैं, और विभाजन नहीं करती हैं, वह G0 अवस्था में आती हैं, उसे शांत अवस्था भी कहते हैं, समझ आया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपका सेल साइकिल यहीं पर समाप्त होता है, सेल साइकिल में बस इतना ही आपको याद रखना, इतने ही से भी क्वेश्चन, यहीं से आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ लेगा डीएनए का संश्लेषण किस फेज में होता है, तो आप बता देंगे यस फेज में, कितने परसेंट होता है, 0.03%। संश्लेषित फेज किसे कहते हैं, तो यस फेज के कहते हैं। सबसे बड़ा फेज कौन है, तो जीवन फेज है। सबसे छोटा फेज कौन है, तो आपका G2 फेज है, सबसे छोटा फेज सेल साइकिल में पूछेगा। सेल साइकिल में पूरा अगर पूछेगा तो यम वाला जो अपना आता है माइटोसिस डिवीजन, तो उसमें आ जाएंगे प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये हम आपको कल आपको बताएंगे, आपको कल आपको आप ये इतना जितना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपको कल के चैप्टर में आपको समाप्त कर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक आप दे दीजिए करें, और जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जाम बेस से ये सब चैप्टर एक 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 सीरियल वाइज से समाप्त कर दिया जा रहा है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।